आगरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। सैयब पुलिस और सीआईडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं पूछताछ में गांजा तस्करों ने बताया कि 1,800 रुपये किलो गांजा विशाखापट्टनम और उड़ीसा से लाकर आगरा और अन्य जिलों में 7,000 से 8,000 रुपये किलो में बेचते हैं। वहीं आरोपियों के पास से तमंचा, मोबाइल और दो कार भी बरामद हुई हैं। सीआईडब्ल्यू टीम जो जनपद आगरा की है और थाना सैया की टीम, इन्होंने जॉइंटली चेकिंग इन्होंने किया और इसी चेकिंग के दौरान एक गांजे की बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें 140 किलो गांजा बरामद हुआ है और साथ में 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ है, इन्होंने ये बताया कि ये जो गांजे की खेप है, ये बेसिकली ये विशाखापट्टनम और उड़ीसा से ले आते हैं और आगरा और आगरा के आसपास के जनपदों में इसको खपाते हैं।